अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूं। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूं और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि खान साहब एक नहायत सादा तबीयत आदमी है, बे इंतहा सादगी उनकी तबीयत में है। यानी कि आप ये समझें कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूं, तो खान साहब ने कहा है कि दो प्याली चाय हम दोनों मियां बीवी को चाहिए, तुम डेढ़ बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजियां नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी, मोजे का दम। सोचे लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, छह ठुडे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था, खान साहब को तो मैं कान पकड़ नहीं खड़े रहते। सादगी का ये आलम है जनाब, हम दोनों मियाँ बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पाँव में वो पहनते हैं, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, ऐसे ऐसे हम दिन काट रहे। दिल में पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, खान जी से कहा एमरल्ड सफायर रूबी डायमंड्स जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर, मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए, बड़ा प्यार है हमारे इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौकिलों से कह के चिड़िया बनवा देने मैंने आप लोगों को,